जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। नीतीश कुमार पलटू राम कुशासन बाबू शराब माफिया की सरकार बलात्कारियों की सरकार घोटाले बाजों की निकम्मे नमक हराम नमक हलाल लोग कहाँ है गिरिराज सिंह कराया जाता है ये गोबर पात्रा ये नफरती चिंटू सुदामन जी से शादी की है बेचारी न सुहागन रही न विधवा बिहार है जिस बिहार को आप भिखारी समझ नहीं चल रहा एक पनौती है मोदी जी देखिए कहाँ गए पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव क्या लगता है विपक्ष जो है आज घुटने टेक चुकी है सत्ताधारी सरकार के सामने जनता जाग चुकी है जनता 15 साल के जो हिसाब है जो मोदी जी लगातार झूठ बोलते रहे हैं भाजपा आरएसएस के लोगों ने झूठ बोला जो बिहार की आवाम से कर्जा लिया ये सूद समेत वसूलों का टाइम है। बिहार की जनता जो प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को भिखारी समझते थे बोली लगाते थे उस बिहार की जनता ने ये तय किया है कि मोदी जी से भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं से हिसाब मांगा जाएगा। 39 सांसद देने के बावजूद इन लोगों ने बिहार की कैसी स्थिति बना दी आज बिहार करा रहा है बिहार मजदूरों को जानबूझकर लॉकडाउन के दरमियान रेलवे बंद कर इनको यह मौत नहीं यह हत्या है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहारी मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर किया गया क्या बिहारी मजदूर बर्दाश्त करेंगे। बिहार में बाढ़ की समस्या है भाजपा लोजपा जदयू के एक भी सांसद 39 सांसद होने के बावजूद ये निकम्मे निकारे निठल्ले और निर्लज बेशरम नमक हराम नमक हलाल नेताओं को लोकसभा में मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती इन बेशर्मों से हिसाब मांगा जाएगा इनका स्वागत चप्पल जूतों से किया जाएगा। आप विपक्षी दल की बात पूछ रहे हैं बिहार की जनता निजात पाना चाहती है ईस्ट इंडिया पार्ट टू की सरकार से गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादों से जो अपने ही मुल्क के जयचंद हैं इन जयचंदों ने देश की तमाम संस्थाओं को बेचने का काम किया ये अपने व्यापारिक मित्रों को जानबूझकर कोई घाटे का सौदा खरीदता है क्या। प्रधानमंत्री उस बेबरे बेटे की तरह हैं उस कपूत की तरह हैं जो अपने घर का बर्तन हांडा चौकी बिस्तर सब बेच के कहते हैं मैं देश बिकने नहीं दूंगा देश झुकने नहीं दूंगा। देश ने देखा है गलवान घाटी में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है सोना दिया सोनार को पायल बना दिया लोहा दिया लोहार को हथौरा बना दिया वोट दिया फकर फकीर को कटोरा थमा दिया। किस तरीके से बिहार की जनता ने यह तय किया है 15 साल से लगातार देखा है टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं 18-18 घंटे काम करता हूं ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी जी आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला नहीं तो हम आज हमारी चड्डी बिक गई होती हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते हम जानवरों के शिकार कर रहे होते हम पत्थर घसकर आग पैदा कर रहे होते। नरेंद्र मोदी जी कुछ तो शर्म किया होता आपने डिसलाइक करने का आपने देखा कैसे इन्होंने पाबंदी लगा दी आप किस किस चीज़ पर पाबंदी लगाओगे। आप MTNL और BSNL को डुबोकर जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर बनकर जियो फोन को प्रमोट कर रहे थे आप HAL को डुबोकर अपने व्यापारिक मित्र अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को प्रमोट कर रहे थे भारत पेट्रोलियम को जानबूझकर डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट कर रहे थे। पहली बार मोदी जी की निकम्मी सरकार गोरे अंग्रेजों की दलालों की सरकार GSPC में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला गौतम अडानी का उसके खिलाफ RBI के खिलाफ केस लड़ रही है उसको ONGC से टेकओवर कराया जाता है ये गोबर पात्रा ये नफरती चिंटू TV डिबेट शो में बैठकर पालघर की घटना पर और भी कई घटनाओं पर नफरत फैलाने का काम करती है। वो 27 लाख का पैकेज लेकर हरामखोर मुफ्तखोर सारे दिन TV चैनल में बैठकर देश में अमन भाईचारा समाप्त करने की बात करता है देश की जनता सवाल पूछता है भाजपा लोजपा जदयू और देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दलालों से भरमों से और उन पर थूकता है भारत सवाल पूछता है भारत। जब पुलवामा कांड हुआ पुलवामा कांड में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था जब भारत तिब्बत पुलिस है तो बिहार रेजिमेंट के लोगों को क्यों भेजा गया। नरेंद्र मोदियों की कमर टूट गई आपने देश के आवाम की 10 पुस्तों की कमर तोड़ दी नरेंद्र मोदी जी आपको हिसाब देना होगा। ये वही बिहार है जिस बिहार को आप भिखारी समझ से 5 किलो गेहूं 1 किलो चना की बात करते हम आपको 5,000 गेहूं और 5,000 किलो चना देंगे आप इस्तीफा दे दीजिए आपसे देश नहीं चल रहा। एक पनौती है मोदी जी देखिए घर में थे तो घर तबाह था जसोदा बहन जी से शादी की है बेचारी न सुहागन रही न विधवा आज पूरा देश करा रहा है ये गुजरात में थे गुजरात जल रहा था
सवाल उठता है कि ऐसे निकम्मे निकारे लोगों को आखिर शासन सत्ता देने का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने गोवलकर, एमएस गोवलकर जो इनके गुरु थे आरएसएस के, ये रॉयल सीक्रेट वाले लोग, इनके जो द्वितीय गुरु थे, उनके 147वें पेज में आप देखिएगा तो लिखा है कि देश की गरीब जनता, गरीब मैंने जनता को गरीब बनाना, ये उसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और देश में जानबूझकर लोगों को गरीब बना रहे हैं। ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना था, ये निकम्मे नमक हराम नमक हलाल लोग कहाँ हैं? गिरिराज सिंह कहाँ है? किस बिल में छुपा है? कहाँ रविशंकर प्रसाद है? कहाँ नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी है? जब बिहार की जनता कोरोना महामारी में करा रही है, बाढ़ से करा रही है, इनको सिर्फ सत्ता के पुजारी हैं। सर, भाजपा का कहना है कि इस बार अगर भाजपा की सरकार आती है तो अगली बार से बिहार को बाढ़ से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, तो 15 साल से नीतीश कुमार का भी यही कुछ वादा रहा है। नीतीश कुमार तो पलटू राम कुशासन बाबू, शराब माफिया की सरकार, बलात्कारियों की सरकार, घोटालेबाजों की सरकार, 15 साल से शासन सत्ता में है कुर्सी कुमार जी। ये कहते थे नीतीश कुमार, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मेरा डीएनए पूछ रहा है। अब आपका डीएनए मैच हो गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। कहाँ है लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान जी? दलितों के नाम पर पूरे परिवार के लोगों को सांसद बना लेते हैं। जब बिहारी मजदूर बिहार के बाहर गालियां सुनते हैं, माँ बहन की गाली सुनते हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। ये निकम्मे निकारे निठल्ले लोग जानबूझकर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार किया। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, इतना भाजपा लोजपा जदयू के ये गोर काले अंग्रेजों ने बिहार को गर्त में ढकेलने का काम किया, इसलिए इनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। क्या लगता है कि जीडीपी पर से ध्यान हटाने के लिए जो चाइनीज ऐप को बैन किया गया, पबजी मोबाइल का अभी एक नया सेंसेशनल न्यूज आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर आपका कोई जमीन कैप्चर कर ले गांव में, आप किसान परिवार से आते हैं, अगर आपका कोई मेर तोड़ के जमीन कैप्चर कर ले, आप उसको फेसबुक और व्हाट्सएप से डिलीट कर दोगे तो क्या इससे कोई बात होगी? देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता पूछना चाहता है भाजपा की सरकार से कि जो टिकटॉक पर बैन करने की बात शशि थरूर और डॉक्टर सरकार ने लोकसभा में उठाई थी, जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इससे देश की सामरिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, दूरसंचार मंत्री उस पर रोक लगा दी है, अब मुकेश अंबानी ने $5 ट्रिलियन में खरीदा, तो देशद्रोह कौन हुआ भाई? सुबह आप देखिए, जितने रिलायंस के जियो फोन के फ़ोन हैं सब चाइनीज हैं, जितने टावर हैं सब चाइनीज हैं। आप देखिए भाजपा में क्या परिंदा जी न्यूज़ का मालिक सुहास चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है, और अपना बम्बई जो आवास है उनका सुभाष चंद्रा का, वो चीनी दूतावास को दे रहे। बाबा रामदेव को आपने देखा होगा, पूरी देश ने देखा है, ये बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, कहाँ गए वो रामलीला मैदान के आंदोलनकारी जो महंगाई के मुद्दे पर, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के मुद्दे पर, कालाधन के मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे? कहाँ गए अन्ना? कहाँ गया जनरल वी के सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरी के लोग? कहाँ गए पौने दो आँख वाला बाबा रामदेव? बाबा रामदेव का 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये सवाल पूछता है, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जानबूझकर जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर देश के अमन भाईचारा को लूटकर ये देश को बेच रहे हैं। हम बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों से, सभी भाषा के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भारत को गुलाम होने से बचाइए। ईस्ट इंडिया पार्ट टू के दलालों को, गोरे अंग्रेजों के दलालों को, भरवों को दूर भेजना होगा सत्ता से। ये वही लोग हैं जो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल्लाह के साथ सरकार बनाए बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की, 1943 में गुलाम हुसैन दौलतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया, आज फिर वही काम करते। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर कफील खान पे, और वही आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उनको, उनके ऊपर से सारी जो केसेस है वो हटा दिया गया और उनको वापस रिलीज कर दिया गया है? ये केस फर्जी था। हम लोगों ने डॉक्टर कफील की केस को लड़ा, सड़क से पूरा संग्राम किया, सड़कों पर कूदा, लड़ाई लड़ी, इसकी हर आप लड़ाई देखिए, हमारी पूरी टीम उसमें शामिल है। रिहा होने से सबसे पहले मैं खुशी हूँ कि सत्य की जीत हुई, हमारे संविधान की जीत हुई, चूँकि इस सरकार में CBI, बड़े बड़े जज, कानून, जितनी संस्थाएं हैं सब मोदी सरकार के रखेल के रूप में काम कर रही है। ऐसे में न्याय मिलना बहुत ही अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, और धन्यवाद देते हैं उस जज का जिन्होंने उनको रिहा किया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद, ताकि उन्होंने अपने इंसाफ की बात को शामिल रखा। आपने देखा चिन्मयानंद के 49 बीडी मिलने के बाद उसको जमानत दे दी जाती है, जिस जज ने जमानत दी उसको प्रमोशन दिया जाता है। तारीपार, तारीपार कौन होता है? तारीपार कौन होता है जो समाज में रहने लायक नहीं,
उस तारीपार गृह मंत्री को बरी करने वाला जज को प्रमोशन दिया जाता है, उसको सीबीसी का चेयरमैन बनाया जाता है। जिस जज ने संज्ञान लिया उस जज लोया की हत्या हो गई, उसका कुछ नहीं पता चला। दिल्ली दंगों में आपने देखा होगा, जो जज ने संज्ञान लिया उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये लोग भाजपा के लोग तबलीगी जमात पर जिस तरीके से देश भर में और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कूद रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, आपने देखा, सबको बरी कर दिया गया, चूँकि वो लोग थे ही नहीं। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय कर रहा था, जब बाहर के देशों से लोग आए थे, वहाँ आईबी का फेल्योर है, सीबीआई का फेल्योर है, वहाँ होम मिनिस्टर का फेल्योर है, होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का फेल्योर है, क्या कर रहे थे होम सेक्रेटरी वगैरह। तो जिस तरीके का माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते, ये रोज़गार की बात नहीं करते। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात थी, इन्होंने 14 करोड़ युवाओं को बेरोज़गार बना दिया, 12 करोड़ को नौकरी देनी थी। जो हमारे देश के 35 से 40 करोड़ लोग दैनिक मजदूर हैं, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचा वाला, राजमिस्त्री, लेबर का काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, उसके पास आज जो आजीविका का दिक्कत है, उनके पेट के साथ भुखमरी की समस्या है, इसकी बात कौन सुनेगा प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री समझते हैं जी डी पी का फॉल फॉर्म समझते हैं, जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल, दाम बेताजा बढ़ रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकीबाजी कर रहे हैं। आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, लीडर चुना है, डीलर थोड़े ने चुना है कि आप दलाली कर रहे। कहाँ गया 56 इंची का सीना आपका, टाइफूस हो गया। बीजेपी वालों का कहना है कि पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे वो कटोरा लेके जाए थे, अब के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर पहले के प्रधानमंत्री पोलियो की दवा नहीं बनाए होते तो ये अंधभक्त टेढ़े मेढ़े पैदा होते, सीधा पैदा होते। अगर पहले स्कूल कॉलेज नहीं बनाए होते तो ये अंधभक्तों के रिश्तेदार कहाँ पढ़ते। आपने देख सोचिए, 1962 में हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, लाहौर में झंडा फहराया, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में। हमारे यहाँ अनाज नहीं था, अमेरिका का सरा हुआ गेहूं आता था। जय जवान जय किसान का नारा दिया, हम आज आत्मनिर्भर बने। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये वही लोग हैं 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में, अकेला एक सावरकर था जो 60 रुपया महीना कम पेंशन ले रहा था। अंधभक्तों, वो तुम्हारे जीजा लग रहे थे कि फूफा लग रहे थे जो तुम्हें 60 रुपया महीना दे रहे थे? तुम इतने पहले जाओगे कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये बिहार है, बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। यहीं से जब बैरिस्टर थे महात्मा गांधी, सत्याग्रह आंदोलन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए। यहाँ सभी धर्मों का समावेश है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। ऐसे बिहार का मजाक उड़ा रहे भाजपा लोजपा जदयू के लोग। 200 रुपया ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी हमारे यहाँ के मजदूरों को। 55 डिग्री सेल्सियस में इनको पैदल चलने दिया गया है। ये सिर्फ इनके बाप की जागीर है, ये सिर्फ पेंशन और वेतन भत्ता लेंगे। जनता ने तय किया है, जो पार्टियां भाजपा को हराने वाली होगी उसको वोट दिया जाएगा। और हम लोग इसी मिशन में लगे हुए हैं, इसलिए बिहार आने का हमारा खास मकसद यही है कि बिहार को इन गोरे अंग्रेज़ों के नाजायज़ औलादों से मुक्ति दिलानी है। जो लोग बिहार को लूट रहे हैं, अमन भाईचारा पूरे देश को जला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिर हुआ करते थे। आपको याद होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद बोर्ड का गठन कर रहे थे तो ये विक्टोरिया को सलाम ठोकने वाले लोग थे। देश कभी नहीं भूलेगा, और बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। विश्व में जब 5 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, 2 यूनिवर्सिटी बिहार का था। तो इस बार इनका सुपरा साफ, देखिए हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बिहार बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। लोगों ने तय किया है, इसलिए कितनी मर्जी जोर लगा लें, इनका कुछ नहीं दाल गलने वाला। ये पूरी दाल ही काली है, दाल में पत्थर हैं, कंकर हैं। लोगों ने हमारे साथ सुना, पंकज श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।